welcome back. This is Sean from Marine Hobby. Yet another day, another log. It's been a while. So guys, here's another log. We are talking about marine ick today, the white spot problem, which is very common in most of the marine tanks which we have at our home. Bahut common hai. Bahut sari fish ko hoti hai and bahut sari fishes iski wajah se mar bhi jati hain. Just because hum log uska dhyan nahi rakhte hain. And supposedly log ye bhi bolte hain ki जो टैंक्स हैं पाउडर ब्लू टैंक है और हिप्पो टैंक है इसमें ये इक मैग्नेट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा इक होती है ऐसा नहीं है दोस्तों हमें ऐसा परसेप्शन नहीं रखना चाहिए कि ये इक मैग्नेट्स हैं और इनको बहुत ज़्यादा इक होती है ऐसा नहीं है इक तब होती है दोस्तों जब हम एक फिश की केयर नहीं करते हैं और उसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं ढंग से दैट इज़ व्हेन इक बिकम्स लीथल फॉर द फिशेज सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट it's not very difficult to take care. I have certain things which I'll show you which I've been using, जो मैं चीज़ें use कर रहा हूँ काफ़ी time तक to get rid of ick or treat the fish and it's worked for me for a while. सबसे पहले तो हम ick की बात करते हैं दोस्तों ये white spot problem है एक parasite है जो normally हमारे tanks में आ जाता है when आप fish लेके आते हैं कहीं से और quarantine नहीं करते हैं या आप फिश को डायरेक्टली डाल देते हैं या आपका पानी कुछ कहीं से आया होता है कुछ ना कुछ होता है और हम इससे भाग नहीं सकते हैं ये आएगा आएगा ऐसा आई हैव नॉट सीन एनीवन और हर्ड एनीवन सेइंग कि हमारे पास ऐसा टैंक है जिसमें आज तक इक नहीं हुआ है और दे हैव नॉट गॉट द वाइट स्पॉट प्रॉब्लम तो इसके बारे में आज बात करते हैं दोस्तों इक तब होता है जब आपकी फिश हेल्दी नहीं होती है एंड खाना नहीं खाती है इट बिकम्स रियली प्रोन टू इक एक अपने आप को बहुत जल्दी पैरासाइट अटैच कर लेता है एक लाइफ साइकिल है एक का सबसे पहले वो होस्ट ढूंढता है अटैच होता है उसके गिल्स में जाता है विच किल्स द फिश देन अगेन वो आपके सबस्ट्रेट में चला जाता है एंड इट लेज मोर एग्स एंड वो साइकिल चलता रहता है देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एक की जो प्रॉब्लम है काफ़ी जगहों से हम लोग ठीक कर सकते हैं हम लोग हाइपरसलिनिटी कर सकते हैं जहाँ पे आप सिलिंट जो सॉल्ट लेवल है थोड़ा कम कर देते हैं टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं टैंक का ऑल दो फिश से ट्रीट होती है अगर आपके टैंक में इफ़ यू हैव अदर थिंग्स लाइक इनवर्टिब्रेट्स एंड कोरल्स दैट इज़ बैड फॉर देम सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं क्यूटी टैंक में करें अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन डाल रहे हैं विच इज़ नॉट रीफ सेफ दैट विल ऑल्सो इफेक्ट दी इनवर्टिब्रेट्स एंड कोरल्स सो यू वोंट नीड टू बी केयरफुल फॉर दैट सबसे पहले तो दोस्तों पैनिक होना हमें बंद करना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले क्या होता है हम लोग खुद पैनिक कर जाते हैं और कुछ भी करने लग जाते हैं सो यू हैव टू टेक वेरी वाइज डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं इस चीज़ में कि आपकी फिश को एक हुआ है और मैं इसको आगे कैसे बढ़ाएं एडवाइजेबल अगर आपके पास क्यूटी टैंक है घर में तो ट्रीटमेंट क्यूटी टैंक में करें बिकॉज देर आर सर्टन मेडिसिन जो आप यूज़ करते हैं विच आर नॉट रीफ सेफ एंड समथिंग लाइक कॉपर अगर आप कॉपर डालते हैं उसको ट्रीट करने के लिए तो कॉपर आपके पूरे टैंक को बॉम्ब कर सकता है इट्स लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब आपके सारे इनवर्टिब्रेट्स कोरल्स और एनी अदर फिश विच इज नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम कैन हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फिश टू टॉलरेट कॉपर लास्ट लेवल रखना चाहिए हमें कॉपर का देर आर सर्टन मेडिसिन विच आई वुड लाइक टू शो यू गाइस देर इज पैरागार्ड आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट क्लियरली नॉट देर इज पैरागार्ड Then we have Metroplex, which people say it's reef safe. I haven't used it on the reef. I hamesha use karta hun. Then we have Prodibios, Spot and Velvet. I have Worms and Parasite. So all these things I use in my QT tank. मैं क्या करता हूँ? जैसे ही मेरे को पता चलता है fish की किसी fins या कहीं मेरे को spots दिख रहे हैं white या छोटे-छोटे dots आने लग गए हैं, उस fish को उस tank से मैं निकाल के QT tank में डाल देता हूँ. आई स्टार्ट साइकिलिंग दैट टैंक उस टैंक में मैं ना कोई सैंड रखता हूँ ना कोई स्टोन होता है ना कोई रॉक होता है एक एयर पंप के थ्रू आई स्टार्ट पंपिंग एयर इन इट विच गिव्स लॉट ऑफ एजिटेशन इन द वाटर उसके बाद आई स्टार्ट ट्रीटिंग देम आइदर अगर नॉर्मल मुझे दिख रहा है आई स्टार्ट द ट्रीटमेंट विद समथिंग लाइक अ पैरागार्ड सो दैट इट्स नॉट वेरी हार्मफुल फॉर द फिश इफ आई सी दैट इट इज नॉट treating it well then I go on to the last resort which is copper isme bahut zaruri hamare liye ho jata hai guys ek fish ko healthy rakhna is the most important thing uske liye hame sure karna padta hai ki fish hamari khana khate rahe because jitna wo khana khayegi jitna vitamins and minerals it will have in itself wo ek ko fight off kar sakti hai khud
अब आप खुद तो नहीं करेंगे कि भाई फिश को आपने कहीं एक दिख लिया और उसके सारे व्हाइट स्पॉट्स आप रबर की तरह मिटाने शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो हुक्स के लिए दोस्तों एक बहुत जरूरी है कि फिश स्टार्ट करे अपनी इम्यूनिटी, खुद लड़े इन चीजों से। उसके लिए आपको इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड टू द फिश। जब भी आप खाना लेते हैं कहीं किसी स्टोर से, आई हैव प्राइम लीफ फ्लेक्स ओवर हियर, आई हैव मरीन ए ओवर हियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीछे देखें कि आप क्या उसको दे रहे हैं, इसमें कितना ऐश है या कितने प्रोटीन्स हैं, कितने मिनरल्स हैं, कौन से मिनरल्स दे रहे हैं, कौन से विटामिन दे रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दें। जस्ट वन टाइप ऑफ फूड अगर उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है तो इट इज़ जस्ट प्रोटीन इनटेक जो आप उसको दे रहे हैं, विच इज नॉट वेरी गुड। सो यू हैव टू कीप रोटेटिंग योर फूड, ट्राई टू गिव एज मच वेरिएशन द फूड। लाइव फूड इज ऑल्सो गुड। अगर आपकी फिश खाना नहीं खा रही है, दैट इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बॉम्बे, समबडी गेव मी अ कॉल कि ही हैड अ प्रॉब्लम फॉर बाइकलर एंजल नॉट ईटिंग फूड। सो गाइस, अगर आपकी फिश खाना नहीं खा रही है, सो थोड़े टाइम के बाद उसकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। इम्यूनिटी लो होगी या तो वो स्टार्विंग से अपने आप मर जाएगी, अगर स्टार्विंग से नहीं मरती तो उसके ऊपर पैरासाइट एंड ऑल दोज वर्म्स विल स्टार्ट अटैचिंग इट, जो इट विल नॉट हैव द पावर टू फाइट इट बैक। फॉर दैट इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट विद द लाइव फूड। लाइव फूड अगर नहीं हो रहा है एंड यू हैव फ्लेक्स एंड यू हैव पैलेट्स विद यू, देन इट्स ऑलवेज गुड टू यूज समथिंग लाइक अ गार्लिक ऑयल। ये काफ़ी टाइप में आता है, यू हैव सी कैम गार्लिक ऑयल, आई हैव एक्वा फॉरेस्ट दैट आई एम यूजिंग। आप थोड़े से खाने में इसको हल्का सा स्पॉन्ज की तरह उसको मिक्स करके एंड यू स्टार्ट पुटिंग इट इनसाइड द फूड, सो इट रियली इंटाइसेस, मतलब उसको एक टाइप में इंटाइस करते हो आप लोग कि शायद से खाना खाने लग जाए। बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, कुछ चीज़ों के लिंक्स मैं आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन बाय इट ऑन Amazon और एनी अदर पोर्टल विच आई हैव सीन। आई विल ऑल्सो शेयर सम लिंक्स ऑफ मोर अबाउट, एक अगर आप और जानना चाहते हैं। ऑल्दो वी शुड स्टॉप कॉलिंग द टैंग्स एक मैग्नेट, मोस्टली आई हैव नेवर सीन कि किसी ने बोला हो कि भाई आई कुडंट टेक केयर ऑफ द फिश, दैट्स व्हाई इट हैड एक एंड इट डाइड ऑफ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आइडेंटी कर पाएं कि प्रॉब्लम क्या है, इज इट एक और इज इट वेलवेट, बिकॉज दोनों चीज़ें बहुत कॉमन दिखती हैं एंड दे लुक ऑलमोस्ट सिमिलर। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू फर्स्ट आइडेंटिफाई वॉट इज द इशू विद द फिश एंड देन स्टार्ट द ट्रीटमेंट। स्टार्ट विद द माइल्ड वन एंड देन स्लोली स्लोली गो ऑन द हायर वन। कॉपर में यहाँ पे बताया हुआ है आपको कि आपको कितना कितने लीटर में कितना कप आपको क्रक्रूमेंट डालना है। आई वुड सजेस्ट स्टार्ट स्लो, ऐसा नहीं है कि आप पूरे बॉटल एक टाइम में खत्म कर दें, बिकॉज दिस इज लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब और ये न्यूक्लियर बॉम्ब फिश पे बहुत भारी पड़ता है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि यू स्टार्ट स्लो एंड स्लोली स्टार्ट टेकिंग ऑफ द वाटर एंड स्टार्ट एडिंग न्यू वाटर एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट। इट टेक्स फ्यू डेज टू इवन मंथ्स टू ट्रीट अ फिश। जो लिटरेचर वर्ड है इट सेज 16 वीक्स you have to keep the fish in the quarantine tank, that's okay. So taking care of the fish through hypersalinity or feeding it nicely and taking care of the fish food is very important. It is always advisable that you first put the fish in the QT and then put it straight away in your tank. Putting it in the tank is also, I know lot of people don't have space, घर पे जगह नहीं होती है लोगों के पास टैंक्स रखने की, तो इट्स ओके। ट्राई कीजिए फिश आप जो लेके आ रहे हैं वो फिश आपकी क्वारंटीन है, अगर आप किसी स्टोर से ले रहे हैं एंड इट्स फीडिंग, इट्स गुड इफ यू हैव फिश विच इज फीडिंग इट सेल्फ एंड इट इज फीडिंग ऑन फ्लेक्स एंड अदर पैलेट्स, इट्स वेरी गुड। ब्राइन स्ट्रिप्स आर गुड, माइसर स्ट्रिप्स आर गुड, यू कैन ट्राई ऑल दीज थिंग्स। ट्राई एंड गिव the fish different variety of food which will be very helpful for you and the fish ultimately. Jo ek hai, it is treatable and we can treat that ek, provided you catch the problem before it is out of your hand. So it is always advisable that you look at your fish at least 15 minutes in a day. You should look at your tank, what's happening in your tank, is every fish visible, if their fins and their gills are absolutely clear. If you do all these things, I don't think there will be a problem of it so much.
although if there are, then you have all the medicines in the world which you can buy from a lot of places. I'm going to give some links down below. So that's all about me, guys. I need to do a lot of other things, and I'll catch you in another log. From me, it's a ciao, and I'll see you in another log. Bye, guys.